लगभग 10 से 15 मिनट बाद ट्रेन स्टार्ट हुई और अभी हम लोग को अपनी मंजिल पे पहुंचा रही है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेनू सेठ ब्लॉग्स में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो हम लोग अभी डोंगरगढ़ पहुंच चुके हैं और यहां से 5 नंबर पर उतार दिया है, नहीं 5 नंबर पर ट्रेन उतार दिया है और जा रहे हैं हम लोग ओवरब्रिज, बोलते हैं उसको ओवरब्रिज से चढ़ के जाएंगे। ओवरब्रिज ही बोलता है, मम्मी को नहीं पता है। वो मैं बोल रहा हूं, और भी बोलते हैं, ओवरब्रिज से चढ़ के जाएंगे उस साइड। ओवरब्रिज बोलता है, ओवरब्रिज से चढ़ के जाएंगे अगले प्लेटफॉर्म पे। फिर सुबह सुबह पहुंच गए, बहुत अच्छा मौसम है, नहीं यहाँ पहाड़ी इलाका बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। फ्रेंड अभी ठंडा मौसम है, बीमार पड़ जाएंगे। अभी हम लोग फटाफट से चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ और माता रानी को देख के ही मन में खुशी आ रही थी बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। और सुबह सुबह का कहना ही क्या, मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पहुँच गए हैं फ्रेंड और पहुँचने के बाद खुशी बहुत ही ज़्यादा हो रही है क्योंकि लगभग 4 साल के बाद मैं दर्शन करने जा रही हूँ। यहीं पर रहते हुए भी 4 साल के बाद जा रही हूँ और खुशी अलग ही है, ललक अलग ही है। कलाकृति का कहना ही क्या, छत्तीसगढ़ की कलाकृति बहुत सुंदर होती है, देखने लायक होती है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर और मंदिर के लिए जाएंगे। फ्रेंड स्टेशन पे आने के बाद हम लोगों ने सोचा चलो चाय पी लेते हैं कम से कम, क्योंकि बहुत देर हो जाएगी दर्शन करते करते। मैंने सोचा था कि 10-11 बजे तक दर्शन हो जाएगा, हम लोग उतर जाएंगे, लेकिन यहाँ हम लोग को पहुँचते पहुँचते 9:15 हो गए थे। तो हम लोगों ने सोचा चलो चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद हम लोग चल पड़े हैं माता रानी के दरबार की तरफ और ऑटो नहीं मिल रहा था अभी, लेकिन हस्बैंड जी बहुत चिढ़ा रहे हैं मुझे। अनु, अच्छा मेरे को लग रहा है अनु मुंह फुलाई है, मुंह फुलाने का कारण क्या हो सकता है अनु बता दो। ट्रेन में तो पॉपकॉर्न खाई है, अभी चिप्स बोल रही थी। अभी तो हम दोस्तों पहुँच गए हैं और मैं सोचा थोड़ा सा रेनू का एक्सरसाइज करा दूँ। तो 600 मीटर है मंदिर, तो पैदल ही और ऑटो वाले क्या है, सीढ़ी चढ़ी तो एक्सरसाइज हो रही है। हाँ ऑटो वाले क्या है, तो 600 मीटर है लेकिन उसी के 50-60 रुपये मंगा है। मैं तुझे थोड़ा रेनू का एक्सरसाइज करा दूँ, क्यों ठीक है। फ्रेंड चिढ़ा तो रहे थे बहुत, लेकिन सबसे पहले ऑटो को रोका इन्होंने ही और हम लोग ऑटो से निकल चढ़े हैं माता रानी के दरबार के तरफ।
जय माता दी, जय माता दी। फ्रेंड अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के चौखट पे, और पहुंचते ही वहां पे एक आंटी जी आ गई जय माता दी वाला पट्टी देने के लिए, और हम लोगों ने इनसे ख़रीद लिया क्योंकि सोचा चलो यहीं से बांध के हम लोग स्टार्ट करेंगे चढ़ना सीढ़ियों को। तो इनसे अभी हम लोग ख़रीद रहे हैं और बहुत ही मतलब अच्छा फील हो रहा था, सच में बहुत सुकून मिल रहा था वहाँ पे दर्शन के लिए जाने पे। तो फ्रेंड पहुंच गए हैं माता जी के दरबार और जा रहे हैं अभी दर्शन करने, सीढ़ी पे चढ़ाई करना है तो अभी स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी चलिए हमारे साथ दर्शन करिए और बांध दीजिए सब। जय माता दी। बाद में आते समय आते बानी दन बारवा ऊपर उठा दे ऊपर ये हम बानी चलो न होनी चलो ये जो स्थान दे नक्शा कर दे तो स्टैंड वाला लगा ले। तो मैंने लगा लिया है अभी ट्राइपॉड में क्योंकि हाथ पकड़ पकड़े हाथ भी दर्द होने लगा। ये दो डस्टबिन में डाल देंगे जो रात से ही आए हुए हैं श्रद्धालु सब यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, माता रानी के दर्शन वगैरह सब कर चुके होंगे ये लोग। माता जी को प्रणाम करने के बाद चढ़ाई शुरू कर दी है फ्रेंड, और बने रहिएगा ब्लॉग में। ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाय चीती समझ में नहीं आएगा। ओए हाथ पकड़ ले ना। इतने में हालत खराब हो गया जी। शुरू में लगता है शरीर गर्म हो जाएगा और ये देखिए आगे आगे चढ़ा रही है। पैर ला पिरावत है बहुत है पिरावत है। चलो चलो चला जी।
वापस चलो वॉच आते समय नहीं नहीं डमरू देखो डमरू अनु ए अनु मार खाओगे बहुत मार खाओगे समझ जाना तुम ज्यादा आगे आगे मत भागो ना छोड़ चले जाएंगे यहीं से हम लोग वापस तू ऊपर मिलते रहना अच्छे रास्ते में खिलौने का दुकान देख के थोड़ा सा परेशान होते हैं परेशान भी करते हैं कि खिलौना दिला दीजिए और सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा सा ऐसे सांस फूलना स्टार्ट हो गया है क्योंकि सीढ़ियों का चढ़ना बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे माता जी बहुत ऊपर हैं चलिए देखते हैं कितने टाइम लगता है 9 बजे चढ़ना स्टार्ट किए हैं हम लोग आते आते 9 बज गए हैं यहाँ पे 9 बजे स्टार्ट किए हैं और कितना टाइम लगता है देखते हैं और यहाँ से मैं आप लोग को नीचे का व्यू दिखाती हूँ यहाँ से नीचे का व्यू देखिए कितना अच्छा है बमलेश्वरी माता कौन है बमलेश्वरी माता साक्षात पार्वती जी हैं पार्वती जी का ही अवतार है ये और सावन के महीने में दर्शन करना मतलब जरूरी था मन भी किया तो चल दिए हम लोग चलो आराम अभी भीड़ गई चलो ए चलो 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 जल्दी आओ जल्दी आओ सब लोग चले गए गो 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 रन 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 ताजी ए इधर से चलते हैं ना बंद है क्या इधर कम सीढ़ी है चलिए चलिए सीताराम साधु जी सीताराम नहीं काटेगा जी देखो बच्चे कहाँ हैं